Hi everyone, good morning and welcome to Basic Funda of Economics. This is the third session of national income, and in this session particularly we will study some concept of national income. Now what are those concepts that are concept of national income, and following are the concept that over which we will study right now, national income. The first one is GDP. Now first we will look at what is GDP, then what is NDP, and then what is GNP. So we will look at these three concepts: what is GNP and what is NDP. So what is GDP? Now we will study right now in the depth about GDP. GDP is further classified into two parts. The first one is pehla jo hai GDP at MP, dusra jo hai GDP at FC. Isko jo define kiya gaya hai wo do basis pe kiya gaya hai. Ek hai GDP at market price aur ek hai GDP at factor cost. Dusra jo hai वो है GNP. इसको भी जो डिफाइन किया गया सेम दो क्लास में दो कैटेगरी या दो बेसिस पे डिफाइन किया गया. एक है GNP एट MP एंड द सेकेंड वन इज GDP एट MP. द थर्ड वन इज NDP एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टू बेसिस. द फर्स्ट वन इज NDP एट MP and NNP at MP. Okay, so we need to understand few things. Now what is the relation of MP and FC? Because dekhenge aap yahan pe sab kuch same hai. GDP at MP se GDP at FC hum log dekh rahe hain. GNP at MP se GNP at FC dekh rahe hain. Aur NDP at MP pe se NNP at FC देख रहे हैं. तो हम लोग पहले देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एफसी. हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे, और अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो प्लीज वो वीडियो देखें, बिकॉज दैट वाज द बेसिक कंसेप्ट दैट यू शुड नो बिफोर यू स्टडी दीज थिंग्स. इफ यू विल डोंट नो दोज थिंग्स देन इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस सेशन स्पेशली. सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एमपी एंड फैक्टर कॉस्ट. सो when we add net indirect tax in factor cost then we get MP. okay, what is net indirect tax, what is the formula, or what was the concept of net indirect tax? Again, it was indirect tax minus subsidy. ओके, ये हो गया हम लोग का दूसरा कंसेप्ट. अब तीसरा जो आता है वो है, हम लोग को समझना है जब ग्रॉस से नेट का बात आएगा तो क्या डिफरेंस है. ग्रॉस से नेट का बात आएगा तो क्या, देखिए जब भी आपको ग्रॉस से नेट में जाना होगा, ग्रॉस इज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. सो जब आपको नेट में जाना होगा तो इसमें आपको माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन, यू विल गेट नेट. समझे नहीं समझे कि ग्रॉस और नेट में क्या रिलेशन है? ग्रॉस में डेप्रिसिएशन पहले से जुड़ा रहता है, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो देन यू गेट नेट. ओके, एंड द थर्ड वन इज डोमेस्टिक से नेशनल. जब आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो हम लोग कल देखे थे व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन डोमेस्टिक से नेशनल. डोमेस्टिक और नेशनल में रिलेशन क्या है? डोमेस्टिक में जब आप एनएफआईए को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देते हो तो क्या हम लोग पाते हैं? हम लोग पाते हैं नेशनल. नेशनल अब उसमें क्या होगा, देखो एनएफआईए क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम दैट इज अर्न्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर फ्रॉम
आवर कंट्री, दोनों का डिफरेंस है, और नेट हमको या फिर टोटल निकालना है तो वो दोनों का डिफरेंस निकाल के जब हम डोमेस्टिक में ऐड करते हैं तो हम लोग को नेशनल मिल जाता है, या फिर नेशनल आउटपुट, नेशनल प्रोडक्ट कुछ भी मिल जाता है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग एक चार्ट बनाते हैं और इस चार्ट के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन कोरिलेट ईच अदर। सी हियर इज जीडीपी एट एमपी, ओके, इधर जीडीपी एट सॉरी जीएनपी एट इधर एमपी, जीएनपी इधर है, जीएनपी एट एफसी इस रो में आप दे दीजिए एनडीपी, सॉरी एनडीपी एट एमपी, इधर दे दीजिए एनएनपी एट एमपी, यहाँ पे एनएनपी एट एफसी। हम लोग निकालना सीखेंगे कैसे, हम लोग एक अगर कुछ दिया हुआ है तो दूसरा, आप जब सीबीएसई के अगर स्टूडेंट हो, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई देन दिस क्वेश्चन आर जनरली आस्क, मीन्स सम इंफॉर्मेशन विल बी गिवन एंड देन द अनदर टर्म विल बी आस्क दैट व्हाट विल बी द वैल्यू इफ जीएनपी एट एफसी इज गिवन देन व्हाट विल बी द जीडीपी एट एफसी एंड देयर विल बी सम डाटा दैट विल बी गिवन देयर। सो यू नीड टू नो हाउ वी कैन कैलकुलेट दीज थिंग्स फ्रॉम द गिवन डाटा एंड वी विल ट्राई टू कोरिलेट दीज थिंग्स इन वन अनदर। ओके, सो सपोज जीडीपी एट एमपी, दिस वन इज जीडीपी एट एमपी एंड यू वॉन्ट टू कैलकुलेट जीडीपी जीएनपी एट एमपी। सो वॉट इज द रिलेशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल? अगर हम लोगों को डोमेस्टिक पता है और नेशनल निकालना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसमें डोमेस्टिक में हम लोग को एनएफआईए को ऐड करना रहता है। द सेम थिंग अगर हम लोग को जीएनपी एट एमपी पता है और हम लोग को जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम जी एन पी एट मार्केट प्राइस। एन मीन्स नेशनल, डी मीन्स डोमेस्टिक। इफ यू वॉन्ट टू गो फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल यू हैव टू एड एन एफ आई ए, इफ यू हैव टू गो फ्रॉम नेशनल टू डोमेस्टिक देन यू सॉरी यू हैव टू सब्ट्रैक्ट एन एफ आई ए फ्रॉम डोमेस्टिक। ओके, द सेकेंड वन इज इफ यू वॉन्ट टू, पार्डन, सेम थिंग यहां भी है, अगर हमको जी एन पी एट एम पी मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस पे जाना है तो मार्केट प्राइस में क्या रहता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड रहता है तो हम उसको जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो जी एन पी एट एफ सी हमको मालूम हो जाएगा। और अगर सेम जी एन पी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और मेरे को कैलकुलेट करना है जी एन पी एट एम पी, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देना होगा और हम लोगों को मिल जाएगा जी एन पी एट एम पी। अब आता है एक कंसेप्ट है जी डी पी एट एफ सी, जी डी पी एट एफ सी, अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो हम लोगों को क्या करना होगा, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। और क्या क्या चेंज आ रहा है देखिए, चेंज कुछ नहीं आ रहा, बस नेशनल से डोमेस्टिक में जब जाना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा एनएफआईए, जस्ट एनएफआईए को, लेकिन वही डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल में जाना है तो प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को आपको ऐड करना होगा। ठीक है, अब देखिए जीडीपी एट एफसी से, जीडीपी एट एफसी से एनडीपी एट एफसी निकालना है,
नेट डोमेस्टिक, ग्रॉस से नेट में जाना है आपको तो क्या करना होगा, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन भी ऐड है तो उस डेप्रिसिएशन को आप हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, तो आपको ये मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा। और अगर आप प्लस कर देते हो नेट में तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स टोटल। ओके, अब अगर हमको एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, मतलब डोमेस्टिक से आपको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, तो प्लस एनएफआईए कर देना है, कुछ नहीं और है, नेट फैक्टर फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसी तरह अगर नेशनल से आपको डोमेस्टिक निकालना है तो माइनस एनएफआईए कर देंगे और हम लोगों को मिल जाएगा। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन एस्पेक्ट की, आपको एग्जाम में जब एक दे दिया रहेगा और दूसरा पूछेगा तो आपको ये आना चाहिए कि कैसे हम चेंज, क्या चेंज हो रहा पहले वो देखना, और उस चेंज के अकॉर्डिंग क्या हम कर सकते हैं वो देखना है। ओके, सो इसमें देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, अब ये इसमें क्या है, नेशनल नेशनल सेम है, नेट नेट सेम है, बट एमपी और एफसी में अंतर है। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर प्राइस में हमको जाना है तो देन वी ऑलरेडी नो दैट हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है एनआईटी। वही सेम थिंग अगर आपको रिवर्स वाइस वर्सा जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, देन वी हैव टू ऐड फैक्टर कॉस्ट। ओके, द सेम थिंग इज हियर, इफ यू हैव टू कैलकुलेट एनडीपी एट एमपी फ्रॉम एनएनपी, मीन्स यू इफ यू हैव टू गो फ्रॉम नेशनल टू डोमेस्टिक, देन व्हाट यू विल डू, यू विल सब्ट्रैक्ट सिंपली एनएफआई बट इफ यू हैव टू गो डोमेस्टिक टू नेशनल, इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट नेशनल फ्रॉम डोमेस्टिक देन यू हैव टू एड एनएफआईए इन इट। ओके, देन जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एमपी, इसमें क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक ग्रॉस और नेट में अंतर है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन रहता है, जब आप इसको माइनस डेप्रिसिएशन कर दोगे तो हमें नेट मिल जाएगा, वही आप रिवर्स इसमें अगर प्लस डेप्रिसिएशन कर देते हो तो वो हमें जीडीपी मिल एट एमपी मिल जाएगा। अब आप हम लोग एक दूसरे को भी निकाल सकते हैं, सपोज इफ वी हैव टू कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी फ्रॉम जीडीपी एट एमपी, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें से यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, ग्रॉस से नेट जाना है तो हम लोगों को माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा, और अगर नेट से ग्रॉस जाना है देन वी हैव टू डू प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब जीएनपी, इससे अगर हमको इसमें आना है, ग्रॉस से नेट में आना है, तो देखिए फिर वही सेम थिंग, प्लस डेप्रिसिएशन, इसमें पहले अगर ग्रॉस से नेट में आना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, और अगर नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। द सेम थिंग इज हियर, सो वी कैन कैलकुलेट अनदर टर्म इफ वन टर्म इज गिवेन। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ टुडे, थैंक यू, एंड आई होप आपको ये सब बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा, और एक वीडियो और लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज जीडीपी एट एमपी एंड दीज ऑल। सो वी विल डिफाइन ऑल दीज थिंग्स, वी विल गो इन द डेप्थ ऑफ व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीएनपी, व्हाट इज एनडीपी इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो इफ यू लाइक एंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क दिस प्रॉब्लम एंड मीन्स इन द कमेंट बॉक्स आई विल रिप्लाई योर कमेंट एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर कंफ्यूजन और वट एवर द प्रॉब्लम विल बी। थैंक यू फॉर।